Hello, dear students. Students, as you know, that there are many competitive examinations in terms of judiciary that are lined up. Abhi 16th ko UP hai. I again say we expect Haryana to be conducted somewhere around 22nd December. And then there is Delhi. However, we'll talk about Delhi later in some other video in details. But abhi, dekhiye. बहुत कॉमन चैलेंजेस जो हम अपने पास अपने स्टूडेंट्स में देख रहे हैं या अदरवाइज भी स्टूडेंट्स में जो चैलेंजेस हैं, आप एक बात याद रखना, इस स्टेज पर आपको कुछ बेसिक चीजों का ध्यान रखना है. नंबर वन, अब इस स्टेज पर आप कितने भी धुरंधर हैं, आप पिछले 20 साल से प्रीलिमिनरी को टॉप कर रहे हैं या 4 साल से, वॉट एवर इज इररेलेवेंट, बिकॉज इट इज जस्ट लाइक क्रिकेट. एवरी मैच यू हैव टू परफॉर्म. And last match में आपने सेंचुरी लगाई थी, does not assure or give you an assurance that in the forthcoming match you'll again score a century. So for that you need to do some net practice. Similarly, इस time आपको अपने questions, objectives solve करने हैं. खूब अपनी जो mains की books हैं, उनको side में रखिए और objective और bare act को focus करना शुरू कीजिए. पहली बात, देखिए कुछ लोगों को ये लगता है कि उनको law बहुत आता है. और वो गलत नहीं लगता, कुछ को लगता है, कुछ को नहीं लगता. मगर लॉ आना और लॉ को समझाना और लॉ को समझना और लॉ को लिखना, ये सब अलग अलग बातें हैं. व्हाट आई मीन टू से दिस और आई एम्फसाइज अपॉन इज, देखिए जिन लोगों को लॉ अच्छे से लगता है, उन्हें आता है, उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं उस लॉ में. अगर वो अपना दिमाग उस लॉ में लगाने लगेंगे, देन दे try to think ki whether this answer should be like this. Oh, there is an issue with the question framing. Dekhi, jab hum ye question framing, answers, hum in mein doubts banane lagte hain. I met a few students, you know, when I was teaching or otherwise when we were preparing. Kuch logon ko yehi kehne mein bahut acha lagta hai, sir, wo book le lo sir, us book mein sir, itni galtiyan hain. Bhai sahab, itni galtiyan, aapko sab pata hai. Aap kaisi baat kar rahe ho? प्लीज, ऐसा नहीं है एक बुक 20 साल से चल रही है और उसमें आप कहेंगे 30% क्वेश्चन गलत हैं. सॉरी, नो. ट्राई टू थिंक, आस्क, आप पूछिए क्वेश्चंस हैं तो प्लीज, अगर आप इंटेलिजेंट लोग हैं जिनको लगता है कि हम मेंस में तूफानी हैं लेकिन प्रॉब्लम आ रही है, द प्रॉब्लम इज प्रैक्टिसिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. नाउ एज फार एज हरियाणा इज कंसर्न्ड, पहले हरियाणा की बात करते हैं फिर यूपी की करेंगे. देखिए हरियाणा की बात करते हैं, आपको लॉजिकली समझना है, 125 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग है, व्हाट काइंड ऑफ स्कोर विल बी अ सेफ स्कोर. पहली चीज आपको यह ध्यान रखना है कि इस बार हरियाणा में अप्रोक्सीमेटली 35,000 फॉर्म जमा हुआ है, 35,000. दिस इज अप्रोक्सीमेटली आई वुड से डबल द नंबर ऑफ फॉर्म्स दैट आर बीइंग फाइल्ड. सो द कॉम्पिटिशन इज कट थ्रोट. इन दिस कट थ्रोट कॉम्पिटिशन व्हाट यू नीड टू डू, all you need to do is to practice, practice, practice so that you can outshine and outperform the other person. In competition, you need to outperform others. और उस outperform के लिए you need a particular strategy. अब देखिए कहां से प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, कहां से नहीं. हमने अपने पुराना हरियाणा strategy video में बताया भी था, उन चीज को assessment भी करके आपको बताई थी और हमने अपनी classes में भी इन बारे में काफी regularly discuss भी किया है. तो आप ध्यान रखिएगा, पॉलिटी को इग्नोर मत कीजिएगा. जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, देखिए उत्तर प्रदेश में आपको पता है इस बार सबसे डेंजरस थिंग जो इंट्रोड्यूस हुई है वो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग. उनकी मेरिट काफी नीचे जाने वाली है और बहुत से लोगों में ये बहुत एक्साइटमेंट है. देखिए लाइफ में सिर्फ प्रीलिम पास करना ही एक ऑब्जेक्टिव नहीं है. याद रखिएगा कि स्ट्रेटजी से प्रीलिम तो क्वालिफाई करेंगे लेकिन मेंस में भी आपको अलग मेहनत करनी है. 200 नंबर का जीएस का पेपर आएगा. अभी प्रीलिम के लिए हाल फिलहाल आप अपने लॉ में मेहनत करिए. देखिए लॉ आपका जनरल कुछ चीजों को ठीक होगा, ज्यूरिसप्रूडेंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. ज्यूरिसप्रूडेंस अगर आप ये सोचेंगे कि अब पढ़ना शुरू करें, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, प्लीज अब आपको वो समझने वाली स्टेज नहीं है. आप इस बात को कुछ भी मैं ब्लंटली कह रहा हूं, अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है अगले कुछ दिन ज्यूरिसप्रूडेंस की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. बिकॉज ज्यूरिसप्रूडेंस, आप ये सोचेंगे क्या, आप ऑस्टिन और कैल्सन को समझेंगे, आप हॉफडन मॉडल को समझ लेंगे, तो सॉरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर उसे समझ भी लेंगे, आपको ये याद नहीं होगा कि हॉल ने क्या कहा था, ग्रे ने क्या कहा था,
राइट बेंथम के क्या था, एक्सेप्ट फॉर द थिंग जो हम बचपन से सुन के बड़े हुए हैं कि बेंथम ने पेन एंड प्लेजर कहा था और ऑस्टिन ने लॉज द कमांड ऑफ सोवरन कहा था, या फिर कुछ किसी ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहा था, जेरिंग ने क्या कहा. सो दीज थिंग्स आपको बार बार पढ़ना है, अटेम्प्ट करना है, आप कर पाएंगे. ठीक, आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए. करंट अफेयर्स यूपी के लिए प्लीज मेरा आपसे सजेशन है, और वो हरियाणा में भी काम आएगा. करंट अफेयर्स ना आए कम से कम लीगल करंट अफेयर्स तो बहुत काम आता है हरियाणा में. आप उन चीजों को करिए. यूपी में हो सकता है मेरा अंदाजा गलत हो, बट जो स्टेट की कुछ पॉलिसीज है ना गवर्नमेंट लाई है, जो कि अब प्रेजेंट डे गवर्नमेंट जो यूपी की है वो बेसिकली सेंटर वाली गवर्नमेंट है, तो ये इनकी कुछ पॉलिसीज को जरूर आप ध्यान रखिएगा. उज्ज्वला स्कीम, बिकॉज कारण क्या है, कारण ये, आई मे बी रॉन्ग, दिस इज माई असेसमेंट, बिकॉज आई फोरसी दैट इन द नेक्स्ट ईयर देर आर इलेक्शंस. ये एक तरीका भी है जो सो कॉल्ड आप जैसे बौद्धिक लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल्स हैं जो पेपर देंगे, उन तक पहुंचाना भी. इट मे हैपन. तो जीएस में ये कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं इस प्रकार के, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ से जुड़ा. बिकॉज हरियाणा में अगर टेक्निकली देखें तो 2014-15 के बाद का पेपर ही नहीं है, 17 वाला है. तो कुछ चीजें हो रही हैं, उन चीजों का आपको ध्यान रखना है. एक चीज और याद रखिएगा, कई बार हम हौसला तोड़ते हैं कि सर इतना टाइम हो गया हम पढ़ रहे हैं, सर मन नहीं करता. एक बात याद रखिएगा, डिफिकल्ट टाइम्स सबके पास आते हैं. और देयर वाज अ डायलॉग इन पिक्चर द मूवी गुलाम कि लहरों के साथ साथ तो सिद्धू कोई भी तैर लेता है, मगर असली इंसान वही है जो लहरों को चीर के निकल जाए. देखिए, काम सीज नेवर मेक स्किलफुल सेलर्स. इफ यू हैव टू बी स्किलफुल यू हैव टू गो थ्रू द रफ वाटर्स ऑल्सो. तो प्लीज एक तो अपने आप को चैलेंज कीजिए, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आइए अब कुछ दिन जब तक आपके ये पेपर है. और माइंड इट, ये सोच लीजिए कि ये ही टाइम है जिस टाइम पे आपकी सक्सेस आ सकती है, नहीं तो जर्नी पर लगातार आ रहे हैं, एक साल बाद जाएगी. लेकिन हम एक साल बाद क्यों, हम एक साल में आप सोचिए कितनी आपको और एडवांटेज हो सकती हैं. तो प्लीज गिव योर बेस्ट शॉट टू दिस पेपर. कुछ लोगों का ये मानना है कि सर वो देखो भाग्य, अरे जिसका भाग्य होता है ना वो कहीं भी बस. नो डाउट देयर इज समथिंग कॉल्ड डेस्टिनी, बट एज इट इज बीइंग सेड देयर आर सम हु सक्सीड बिकॉज दे आर destined to. Some people succeed because they are destined to, but most people succeed because they are determined to. So the majority succeeds because they are determined to. Aap wo determination create kijiye. Mind it, ye chand kuch din reh gaye hain, in dino mein aap jo mehnat karenge the success will be there, yours. Aur aap fatafat kijiye apna prelims. Mains mein aapke liye exclusively हमारी टेस्ट सीरीज इंतजार कर रही है, बाहें फैलाए. थैंक यू वेरी मच. एट APS जुडिशियल एकेडमी आपका स्वागत है, आप कभी भी आ सकते हैं. थैंक यू.